मिशन सीएचओ की ये दोनों किताबें अगर आप गिव अवे में जीतना चाहते हो तो इस वीडियो में कंडीशन इतनी है कि आपको 10,000 लोगों तक इसको शेयर करना है, 10,000 व्यू होंगे उस दिन इसका गिव अवे का अनाउंस करूंगा, 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन इस बुक का गिव अवे हो जाएगा। एक अच्छा सा जो कमेंट करेगा, क्योंकि जो कमेंट पिकर रहेगा उसके माध्यम से हम गिव अवे जीतने वाले का विनर का अनाउंस करेंगे। तो आप कमेंट पिकर में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाना, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये किताबें मिल जाएगी। बस एक कंडीशन इतनी है, जिस दिन 10,000 व्यू हो जाएंगे और साथ में 500 लाइक पूरे हो जाएंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल होते आपको लाइव आकर उसी दिन इन दोनों बुकों का गिव अवे में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री पोस्ट कर दूंगा। आप इन किताबों को जीत सकते हो, बाकी जिनको नहीं मिलेगी वो इन बुक्स को आप वेबसाइट से या इनके बुक स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाकी जो गिव अवे में जीतने के लिए अपने आपको मानता है कि मैं लकी हूं, तो एक बार जरूर ट्राई करें और वीडियो को शेयर करें अपने सभी साथियों के पास। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ और उत्तराखंड सीएचओ के लिए मैं दो बेस्ट बुक आपको बताने जा रहा हूँ। आपके रिवीजन में ये किताबें बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और इन किताबों की कुछ खासियत भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किताबें किस वजह से हेल्पफुल आपके रहेगी, इनमें क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपको किताबें मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना। जो मिशन सीएचओ किताब दिख रही है आपको, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये थर्ड एडिशन रहने वाला है। ठीक है, कौन सा एडिशन रहने वाला है? थर्ड एडिशन रहने वाला है। 2020 में इसका पहला एडिशन आया था और 2024 में थर्ड एडिशन इसका आ चुका है। इस थर्ड एडिशन में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें सारी चीज़ें जो कम्युनिटी सब्जेक्ट है उसमें सारा स्टैटिक डेटा सब कुछ अपडेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि सीएचओ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो सीएचएन सब्जेक्ट ही, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। और उसी चीज़ में ये जो किताब है ना, इस किताब में सब कुछ अपडेटेड है। ये किताब राजस्थान सीएचओ, इसके बाद एमपीसीएचओ, एमपीसीएचओ का भी एग्जाम होने वाला है, उत्तराखंड सीएचओ का भी एग्जाम 25 फरवरी को है, आप सभी को पता है, राजस्थान सीएचओ का भी पता है, जिन्होंने भी फॉर्म डाला है कहीं से भी तैयारी कर, राजस्थान सीएचओ का 3 तारीख को पेपर होने वाला है, लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। इन 10 से 15 दिन में आप इस किताब को एक बार रिवाइज कर लो, कोई दूसरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो ना, तो हिंदी मीडियम के लिए भी इन्होंने सीएचओ की ये बुक्स निकाल रखी है, जो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। और इनकी जो प्राइस है ना, हालांकि आपको यहाँ पर देखोगे तो प्राइस तो 675 नज़र आएगी इस बुक पे, लेकिन आप जो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक से अगर आप इन बुक्स को परचेज करते हो तो लगभग 500 के आसपास या कुछ छूट आपको मिल जाएगी, लगभग 100-150 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ। अब दोनों किताबों की सबसे अच्छी खासियत बात क्या है कि इसमें लगभग 7,000 प्लस तो हिंदी मीडियम वाले में MCQ है, और इसमें हिंदी मीडियम वाले में 4500 यहाँ पर देखो 4500 मिशन की पॉइंट है। ये मिशन की पॉइंट आपको जरूर सक्सेस दिलाएंगे, क्योंकि सीएचओ एग्ज़ाम जो होता है इसमें ज़्यादा डीप लेवल आपसे नहीं पूछता, आप भी इस चीज़ को जानते हो, बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बेसिकली क्वेश्चन ही इन किताबों में दे रखे हैं। जिस तरीके से सीएचओ का पेपर है, बिल्कुल सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया है। PDF, OBG किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, PDF के OBG के कैसे आ रहे हो, सब तो आपको रिविजन में बहुत हेल्पफुल होने वाले। आप इस किताब को बहुत कम समय में पढ़ सकते हो। देखो, ये हिंदी मीडियम वाली है, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये देखो, की पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पॉइंटों में सारी चीज़ें समझा रखी है। इसके बाद देखो, यहाँ पे सारा डेटा है कि कुछ सामान्य बीमारियों की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे, कैटाक्टिस, ओपेसिटी ऑफ लेंस, ये सारी चीज़, कोलेरा क्या होता है, राइस वाटर स्टूल होता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसमें देख सब कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये तो है हिंदी मीडियम वाले के, लेकिन ये जो इंग्लिश है लेटेस्ट एडिशन आया है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द CHO सिलेबस अपडेटेड एडिशन। अब इस किताब का मैं आपको जो भी अंदर का मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं, और ये एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये किताब पूरी रंगीन है भाई, रंगीन है। जितने भी CHO में सिलेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये 2020 CC को प्रेफर कर रहे हैं, ये पूरी तरह से रंगीन कलर प्रिंट है, देख सकते हो आप इसमें कलर प्रिंट है। अब इसकी मैं आगे आपको PDF के थ्रू जो सैम्पल PDF है मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, उसको मैं आपको बताऊंगा। आप इसको आज भी ऑर्डर करोगे ना, और ये आसपास की सभी दुकानों पर आपको मिल जाएगी, बाकी आप ऑर्डर भी कर सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और इसके अलावा जो इनकी मिशन CHO की वेबसाइट है उस पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ सारी की सारी। बाकी इसको ऑर्डर आप करते हो तो लगभग 3 से 4 दिन में आपके घर पर ये किताब पहुंच जाएगी। कुछ CHO जैसे MPCHO वगैरह होते हैं, यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर रखें। किसी भी किताब में अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नहीं दे रखी है,
तो ये अपडेटेड चीज़ें हैं अभी अब कम्युनिटी के ऊपर अपन चलते हैं। जैसे कोई भी इंडेक्स होते हैं, ग्लोबल हाई हैंगर इंडेक्स वगैरह जो भी इंडेक्स होते हैं, सारे इंडेक्स जो है ना इन्होंने क्या कर रखा है, अभी अपडेट करके इस बुक में डाल दिया है। इनकी बाकी और भी किताबें आती है, मिशन परिचारिका, मिशन नॉन टेक की अलग आती है, मिशन ओल्ड पेपर 3.0 आ गया, और मिशन नॉर्सेट चैंपियनशिप इन्होंने नॉर्सेट के लिए क्वेश्चन, ये 1000 इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज भी चला रखी है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी टॉपर चॉइस ये रही है, और इसके जो की पॉइंट्स है इसमें देखो, और भी चीज़ देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाली है ना इसमें की पॉइंटों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि अपडेट हुआ है 2024 में लेटेस्ट आया है, तो अपडेट हुआ है तो इसमें कितनी कर दी गई है, 5000 की पॉइंट इसमें कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम आगे इसकी वो देखेंगे क्या क्या इसमें रहने वाला है, कौन कौन कैसे क्या क्या चीज़ें अपडेटेड हैं, अंदर का क्या मटेरियल रहने वाला है, सैम्पल पीडीएफ के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों ये मिशन सीएचओ की जो किताब है जो आप यहाँ पर देख लो, इसमें राजस्थान सीएचओ सभी राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी स्टाफ नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अब इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखाने जा रहा हूँ। इसमें 5000 की पॉइंट है, 7000 प्लस एमसीक्यू है, सीएचओ के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है सब कुछ इसमें अपडेटेड है, और जो सबसे बड़ी बात है ना इस किताब की वो है कि जो लेटेस्ट डेटा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का एग्ज़ाम, राजस्थान सीएचओ, उत्तराखंड सीएचओ और एमपी सीएचओ का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। राजस्थान सीएचओ का आपको पता है डेट 3 मार्च है, और उत्तराखंड सीएचओ का एग्ज़ाम डेट आपको पता है 25 फरवरी रहने वाली है। तो इन किताब इनके लिए जो ये बुक्स है ना बहुत हेल्पफुल बहुत शानदार रहने वाली है। इसमें क्या है, जितना भी स्टैटिक डेटा है कम्युनिटी सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जितने भी जो डेटा होते हैं जैसे कि कोई इंडेक्स हो गया, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स या दूसरी कोई भी इंडेक्स हैं, वो सारी चीज़ें इंडेक्स इसमें नई लेटेस्ट 2024 के अनुसार इसमें अपडेटेड आपको मिलेगी। और कुछ पॉइंट जैसे जैसे लग रहा है कि ट्रेंड बदलता जा रहा है, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस किताब में अपडेटेशन भी करा है पब्लिकेशन के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें देखो हर चीज़ के कलर प्रिंट, सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो है ना आपको कलर प्रिंट मिलेगी। ठीक है, आपको कलर प्रिंट मिलेगी। आप भी जानते हो कि अगर कहीं भी मार्केट से अगर कोई भी चीज़ कलर प्रिंट निकलवाते हो तो लगभग 2 रुपये तो आपको पर पेज देने ही पड़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग 2 रुपये के अकॉर्डिंग आप प्राइस बना सकते हो। उसकी प्राइस 650 रुपये आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप नीचे वाले लिंकों से जाकर लोगे तो आपको ये सस्ती मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी 100-150 रुपये की। ठीक है, अब चलिए इसमें देखो आपको मैं क्या बताता हूँ, इसमें सिलेबस के जो इंडेक्स है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन से सिलेबस को इसमें इंक्लूड करा है। नर्सिंग फाउंडेशन देखो, पहला आता है एनाटॉमी, एनाटॉमी के इसमें क्यूक रिवीजन, जो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्यूक रिवीजन करो, आपका पूरा सिलेबस रिकॉल हो जाएगा, पूरी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ लिया और अब आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज करने का। तो रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है पहले इसके पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद इसके आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम वाली है, सेम इसी तरीके में हिंदी मीडियम वाले भी अवेलेबल हैं। मिशन सीएचओ के नाम से हिंदी सर्च करना, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट या मिशन सीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन के सारे इसमें टॉपिक हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि सीएचओ में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है ना वो कौन करता है, सीएचएन ही करता है। देखो यहाँ पर सीएचएन ही सबसे मेन रोल प्ले करता है। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, एपिडेमियोलॉजी, जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें अपडेट कर रखी है। जो कोई नई पॉलिसी आई है, नई स्कीम आई है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन चुनावी साल है और बहुत सारी स्कीम बहुत सारी योजनाएँ हैं गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग जो योजनाएं हैं लॉन्च करी अलग अलग स्टेट ने, तो सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंटर ने भी बहुत सारी योजनाएं लागू करी हैं, तो सारी चीज़ों को इसमें अपडेटेड करके इन्होंने इस किताब में मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसको ऐड कर दिया है। इसमें जहाँ भी जो भी नई चीज़ें नई योजनाएं आई हैं सभी को इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो इतनी सारी की जैसे NPNCD प्रोग्राम हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 प्रोग्राम हो गया, सारी के बारे सभी योजनाओं के बारे में इन्होंने अपडेट दे दिया। अगर आप इस किताब में पहली बार देख रहे हो, अगर आप किसी भी किताब में अभी तक इतना अपडेटेशन वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसको ही प्रीफेयर करें, इसको ही यूज करें, मंगवा लें, इसको अभी ऑर्डर कर दीजिए, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर पहुँच जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग में सारे वही की पॉइंट रखे हैं जो आपके सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले, जो आने वाले सीएचओ के एग्ज़ाम हैं चाहे कोई सा भी सीएचओ का एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ ये पीडियाट्रिक नर्सिंग तो
उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी जो आपकी स्टाफ नर्स की कोई सी भी एग्जाम होगी। इसके बाद फंडामेंटल नर्सिंग के की पॉइंट है, एमसीक्यू है, एमएसएन के की पॉइंट है और एमसीक्यू है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मिडवाइफरी यानी कि ओबीजी के देखो यहाँ पर सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक के की पॉइंट है। की पॉइंट के साथ साथ फिर अलग से 500 और रिविजन की पॉइंट इसमें दे रखे हैं जो सुपर फास्ट रिविजन पॉइंट रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, तो सब आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी देखो साइकेट्रिक, साइकेट्रिक में भी वही चीज़ है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कोरोना वायरस को भी इसमें ले रखा है, कोरोना वायरस को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, देख सकते हो आप। और मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीएचओ एग्जाम में आते हैं, तो ये आप इतना सा कर जाओ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के 2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आप यहां से कवर कर सकते हो। और आजकल जो है ना कि सीएचओ फर्स्ट एड को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ये लोग दे रहे हैं, सभी एग्जाम में फर्स्ट एड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो फर्स्ट एड से भी यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है जैसे कि राजस्थान के हो गए, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, इतने सारे के पेपर इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। सीसीएच के जितने पेपर यानी कि सर्टिफिकेट है ना, कम्युनिटी हेल्थ के जो पेपर होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और बाकी ये जो पेपर हैं इनको आप ई पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हो, इनकी वेबसाइट है मिशन हाई नर्सिंग नोट्स की, वहाँ से आप इसको भी प्राप्त कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर की पॉइंट अपन देख लेते हैं, एनाटॉमी के की पॉइंट यहाँ पर देखो सारी चीज़, कूपर सेल्स हो गया, फेगोसाइटिस, गोबलेट सेल हो गया, सबके बारे में, सर्कल ऑफ विलाइस, सर्कल ऑफ विलाइस सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल, थेलार के, एनआर के और प्यूबर के और मेनआर के सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर अलग अलग की पॉइंट में रिवीजन आप बहुत शानदार तरीके से इसका कर सकते हो। ये इन्होंने टेबल के थ्रू बता दिया कि ओ द नेम ऑफ द हार्मोन, तो इन चीज़ों को सारे को देखो आप इस किताब को मेरी मानो अभी ऑर्डर कर देना। ये 78 पेज की मैं इसकी पीडीएफ है जो सैम्पल पीडीएफ रहेगी, इसको मैं टेलीग्राम पर आप सभी के लिए दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पर से एक बार डाउनलोड करके देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किताब कितनी हेल्पफुल है कितनी हेल्पफुल नहीं है। देखो इस ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट है, इसमें स्मॉल पॉक्स को कैसे लिख रखा है उसकी कंप्लीट डिटेल लिख दी, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैटर्न ऑफ द रेसेस सब कुछ लिखे अलग अलग, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, चिकन पॉक्स का आ गया यहाँ पे, इसके बाद रूबेला का है, मिजल्स का है, जो आपके सीएचओ के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है उतना से आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको इन किताबों को लेने के लिए बस लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से लिंक पे पे करना, आप पे और यानी कि पोस्ट डिलीवरी पेमेंट भी कर सकते हो यानी कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी ऑप्शन है। आप चाहो तो अमेजोन से ईएमआई पे भी मंगा सकते हो इन किताबों को, अगर आप ईएमआई का आपने जो होता है अमेजन पे लेटर वाला सिस्टम चालू कर रखा है तो आप ईएमआई पे भी मंगा सकते हो। एमएसएन को भी देखो, एमएसएन देख लिया आपने, इसमें सारे सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इन किताबों का मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ, आप उन्हें पता होगा गिव अवे वाले वीडियो पर, आपको इस वीडियो पर कितने व्यू लाने हैं, 10,000 व्यू आ जाएंगे उस दिन, दोनों किताबों का मैं गिव अवे कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश की दोनों किताबें, 2 कैंडिडेट विनर रहेंगे, दोनों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पोस्ट चार्ज भी मेरा ही लगेगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बस आपके घर पर सीधी आपको किताब मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।